तो कोशिश यही करते हैं कि महीने महीने कहीं ना कहीं किसी सोसाइटीज़ में या कोई ऐसी जगह जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जहाँ और पुअर लोग भी रहते हैं, तो कैंप तो महीने में कोई ना कोई कैंप लगता ही रहता है। तो उसी सिलसिले में आज जो है हमारा ये कैंप लगा है कंचनजंगा सोसाइटी में। लोगों का बड़ा सहयोग मिल रहा है और मेन इसका पर्पज़ यही होता है कैंप का कि भाई एक जगह पर सब लोग अपना जो भी चेकअप करवानी है वो अपना चेकअप करवा लें और प्रायर डिटेक्शन हो जाए बीमारी का, उसके हिसाब से अपना इलाज कराएं। वो काफ़ी लोग हैं जो बाहर हॉस्पिटल में जा नहीं सकते समय अभाव के कारण या किसी और कारण से, तो उनको अपने छत के नीचे जो है सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। इसके लिए तो मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैक्स हॉस्पिटल का कि जब भी हम कहते हैं कैंप लगाने के लिए हमेशा वो तैयार हो जाते हैं। और पूरी मैक्स की टीम देखिए आज यहाँ पर प्रेरणा के नेतृत्व में सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। 10-12 तरह के जो है डॉक्टर्स यहाँ पर हैं, ECG का टेस्ट हो रहा है, अपना शुगर है, BP है, आर्थो का, आइस का, डेंटल का, डाइटिशियन भी है यहाँ पे। और उसके बाद अभी हमारे यहाँ 12 बजे जो है एक ब्रेन स्ट्रोक पे एक टॉक भी चलेगा, उसके बारे में बताया जाएगा लोगों को। तो कोशिश ये होती है रोशनी तरफ के साइड से कि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो मैक्स हॉस्पिटल का भी बहुत 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 धन्यवाद देते हैं, खासकर हमारे प्रेरणा जी का, जो इनकी टीम जो है बड़े इफेक्टिव वर्क में काम करती है और उसका बेनिफिट देखने को मिल रहा है कि लगभग हर लोग आके यहाँ पे अपना टेस्ट करवा रहा है। आजकल होता है कि लोग जब से ज़्यादा बीमार हैं पर हॉस्पिटल नहीं आते, तो ये जो कैंप आप लगाते कितना प्रेरित करेगी लोगों को अपने स्वास्थ्य को लेकर? हमें लगता है बहुत ही प्रेरित करेगी, क्योंकि कई लोग तो ऐसे हैं जैसे उनको पता ही नहीं कि हमें शुगर है या BP है। वो कहते हैं चलो कैंप लगा है, चल के देखते हैं, एक बार टेस्ट कराते हैं, और आके यहाँ पर टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है जी शुगर है। वो भी शुगर कितना है, 250-300, काफ़ी हायर लेवल पर होता है। फिर वो जागरूक हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर वो डॉक्टर को दिखा के कोशिश ये करते हैं कि भाई हमारा जो है फिर उस चीज़ को मेंटेन किया जाए, बराबर डॉक्टर को दिखाया जाए। तो कई ऐसे लोग हैं जिसको बीमारी का कुछ पता ही नहीं है, वो यहाँ डिटेक्ट हो जाता है, जिसके कारण से फिर वो अपना आगे इफेक्टिवली जो है अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो आई थिंक बहुत ही फायदा हो रहा है लोगों को, बहुत ही फायदा हो रहा है। रोशनी ट्रस्ट जो आप कैंप लगा रहे थे, कितना मतलब लोग फायदा कितना उठा पा रहे हैं? रोशनी ट्रस्ट की तरफ से मैं तो देख रहा हूँ सर कि एक साल हो गया हमें ये सारे कैंप वगैरह लगाते हुए, आई थिंक 8-10 कैंप तो लगा ही चुका हूँ मैं एक साल के अंदर में, और इसका परिणाम जो है बड़ा पॉजिटिव आ रहा है, बहुत पॉजिटिव आ रहा है। काफ़ी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, लोग मेंबर्स बनने के लिए आग्रह कर रहे हैं, लोग इससे जुड़ना चाहते हैं। तो उसके तरफ हम भी प्रयास कर रहे हैं कि काफ़ी लोगों को जोड़ें इसके अंदर, ताकि जहाँ भी ज़रूरत हो, जहाँ रिक्वायरमेंट हो। अब देखिए अभी हमारे पास बाटला से सोसाइटी से एक रिक्वेस्ट आया कि वो अपने यहाँ भी कैंप लगाना चाहते हैं, तो ऐसे लोग जागरूक हो रहे हैं। और जागरूक मंदावली से भी जो है हमारे शशि चांदना जी जो निगम पार्षद हैं, वो पीछे 6 महीने से करेंगे हमारे यहाँ जो आप ये कैंप लगवाइए। तो अब लोगों का रिक्वेस्ट लेटर आना शुरू हो गया कि हमारी सोसाइटी में करवाइए, इससे लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो आई थिंक ये काफ़ी इसका इफेक्ट बढ़ रहा है जी। आपने कहा कि जो सोसाइटी आपकी है तो एक साल हो गया, तो अभी जो स्टार्टिंग में क्या, अब कहाँ पाते हैं अपने आप को? अभी तो हमें लगता है कि सर काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी बुलंदियों तक जो है रोशनी फैलेगी, जिस तरह से सहयोग लोगों का मिल रहा है। और हमारी भी कोशिश ये है कि जो लोग हमसे हमारे टच में हैं, रोशनी के टच में हैं, और जो उनकी अपेक्षाएँ हैं रोशनी से, उसको काफ़ी आगे तक ले जाने की कोशिश करेंगे। आगे की क्या योजना है आपकी रोशनी? आगे की योजना हमारी सर, अभी अक्टूबर में हमारा एक प्रोग्राम है, अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस हम लोग मनाते हैं, तो अक्टूबर में होता है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। तो हमारी मैक्स हॉस्पिटल से ही बातचीत चल रही है, तो उसके अंदर हम सीनियर सिटीजन, पूरे सीनियर सिटीजन को एक जगह एकत्रित करके उनके लिए कुछ इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम करते हैं, ताकि उनको भी लगे कि हमारी भी जो है एक जगह है हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे बारे में लोग केयर करने वाले हैं। तो अगला प्रोग्राम हमारा अक्टूबर में सीनियर सिटीजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाएंगे जी हम लोग जी। थैंक यू सर।